कोरोना संक्रमण काल ने दुनिया की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। लॉकडाउन ने जहां लोगों की कमर तोड़ दी, तो वहीं सरकारें भी मजबूर दिखाई दे रही है। तस्वीरों में जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, वो राजधानी रायपुर के टाटीवन चौक की है, जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा अपने अपने घर जाने के लिए लगा हुआ है। इनमें छत्तीसगढ़ से बाहर जाने वाले मजदूरों के साथ ही प्रदेश में लौटने वाले श्रमिकों की संख्या अत्यधिक है। भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे ये मजदूर हर हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए ये कीमत चुकाने में भी कहीं पीछे नहीं है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें राहत पहुँचाने का दावा करते नहीं थक रही हैं, लेकिन इन दावों के उलट जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां कर रही है। स्क्रीन में दिख रही तस्वीरें सत्ता में बैठे लोगों को आईना दिखाने के लिए काफी है। लॉकडाउन में मिली छूट के चलते अब दिगर प्रदेशों में फंसे मजदूर घर वापसी की ओर हैं, लेकिन ये मजदूर बेबस और पैदल ही सफर पर निकल पड़े हैं, क्योंकि इन्हें सरकारी सहायता नहीं मिली। कोसों मील ये मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ पैदल चलते या फिर राह चलते किसी ट्रक वालों से मिन्नतें कर साथ लेते जैसे तैसे घर पहुंचने मजबूर हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में काम करने गए मजदूरों ने सरकारी तैयारी को नाकाफी बताया और सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। हम लोग लगभग वहाँ 2 महीने से फंसे हुए थे। वासिम जिला है, पुलिस क्वार्टर वहाँ पर काम करते हैं। महाराष्ट्र का जिला है वो, वहाँ कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1 है। वहाँ पर मेडिकल भी करवाएँ, सारी प्रक्रिया करवाने के बावजूद वहाँ के गवर्नमेंट ने हमको बॉर्डर तक हमको ला के छोड़ दिया, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा हमें कोई सुविधा नहीं दिया गया। जैसे तैसे करके हम लोग आए, तो दुनिया भर के फॉर्मेलिटी करने की क्या मतलब है, जब हमें अपने हाल पर ही जाना है। हाँ, और जिसके बचाव के लिए आज पूरा देश को बंद किया गया है, आज वहीं पर ठूस ठूस के जा रहा है और हमें 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करेगा, तो क्या मतलब पड़ा इसका। यहाँ की व्यवस्था से हम नाखुश हैं। भोजन की कोई कमी नहीं है, भोजन रास्ते में मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। भोजन एक बार नहीं मिलता ना तो भी चलता, हमको जैसे भी करके हमारा घर पहुँच जाते ना, तो वहाँ हम आसानी से हमको 2 वक्त की रोटी मिल जाता है। वहीं 8 साल की छोटी सी बच्ची जो पैदल चलकर रायपुर पहुँची है, उसने बताया कि 4 दिन पहले महाराष्ट्र के पुणे से घर जाने के लिए निकली है। पैदल चलते हुए आज रायपुर पहुंची। उसने कहा कि मेरे पिता राजमिस्त्री हैं, उनके कमाई से ही पूरे घर का गुजर बसर चलता है। अब लॉकडाउन में सब बंद है, ऐसे में हमें हर हाल में घर पहुंचना है। वहीं कुछ महिलाओं ने सरकारी सुविधा नहीं मिलने के बाद अपने जेब के पैसे खर्च करना ही मुनासिब समझा और ट्रक चालक को पैसे देकर लिफ्ट के सहारे रायपुर तक पहुँची। इसमें भी उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ये परेशानी घर पहुंचने के सामने नगण्य है। इन्होंने अपना दुख मीडिया से साझा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। पुणे से चार दिन से निकला है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, अभी घर जाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लास्टर काम करते हम लोग, तीन बहना और एक भाई है। हैदराबाद 3 दिन हो गए हमको आने में रायपुर। हम लिफ्ट से पहले शुरू तो पैसे दिए थे, 2000 लिए, उसके बाद यहाँ राजनांदगांव तक आए, उसके बाद फिर भी ऐसे लिफ्ट में यहाँ बहुत अच्छे की तरह व्यवस्था मिली, खाने पीने की हर चीज़ की। अब जाएंगे बलौदा। वहीं सरकारी इंतजाम में जुटे आमाना का TI भरत बरेठ ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण समेत खाने पीने का इंतजाम भी इन मजदूरों के लिए किया गया है। जैसे प्रवासी मजदूर इधर हमारे छत्तीसगढ़ की ओर दूसरे स्टेट से आना शुरू हो गए हैं, और जो हमारे स्टेट से भी निकल के दूसरे स्टेट को जा रहे हैं, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल और हो गया, तो लोगों की भीड़ और पैदल जाने की इस सिलसिला को देखते हुए हमारे रायपुर के आदरणीय कलेक्टर साहब और SP सर ने इस संबंध में तत्कालिक कदम उठाते हुए 1 तारीख से यहां शासन की ओर से भोजन की व्यवस्था पंडाल लगा करके उन्होंने किया हुआ है,
और उनके प्राथमिक उपचार संबंधी जैसे कई लेबरों के पैर में छाले पड़ गए हैं, तो उनको इलाज के लिए डॉक्टर्स की टीम है। और जो छत्तीसगढ़ स्टेट के जो हैं जिला वाइज जो मजदूर हैं उनके लिए बसें संबंधी जिले में भेजी जा रही हैं। कुछ जिले के जो जिलाधीश महोदय हैं वो स्वयं अपने जिले के लेबरों को लेने के लिए बसें भेज रहे हैं। अभी कल से झारखंड शासन ने भी 5 बसें प्रतिदिन यहाँ भेजने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। हमारे छत्तीसगढ़ शासन को उन्होंने एक पत्र भेजा हुआ है, तो उनकी बसें भी पहुँचने वाली हैं, तो उनके लिए भी एक सुविधा हो जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी सुविधाओं को बनाए रखने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो गण हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया। हम कुछ ऐसा आदेशित किए वैसे कार्य कर रहे हैं। बहरहाल चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी को सहते हुए ये प्रवासी मजदूर बुलंद हौसले के सहारे अपने अपने घरों की ओर पैदल या निजी जुगाड़ से घर जाने को मजबूर हैं, जो इन मजदूरों की दयनीय स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शा रही है। इनके हालातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि सरकार कहती कुछ और है और धरातल पर कुछ और ही दिखाई देता है, यानी सरकार के कथनी और करनी में काफ़ी अंतर देखा जा रहा है। देश टीवी के लिए रायपुर से प्रमोद साहू की रिपोर्ट।